और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो हमारे बॉडी के सातों चक्र होते हैं, ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे एक्ट करते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा पहला चक्र होता है द रूट चक्र, इसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। इसका मेन काम होता है हमारे माइंड बॉडी सोल को अर्थ से कनेक्ट करना, कहने का मतलब हमें जमीन से जोड़ना, हमारे अंदर एक ट्रस्ट पैदा करना। यहाँ पर जो दूसरा चक्र है वह है द सैक्रल चक्र, जिसको हम स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। यह मेनली हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल होती है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है जो एक इमोशंस पैदा करता है, या अपोजिट सेक्स की तरफ हमको एक अट्रैक्शन पैदा करता है, या क्रिएटिविटी को दर्शाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो बच्चे पैदा करना मतलब एक सबसे क्रिएटिव काम होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक नया जीवन ला रहे हैं, इसलिए इसको एक क्रिएटिविटी का चक्र भी बोलते हैं। तीसरा चक्र आता है द प्लेक्सस चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। यह क्या करता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है, एक सेल्फ स्टीम देता है, एक विल पावर को बढ़ाता है, हमारी गट फीलिंग को बढ़ाता है, हमारी जो एक बुद्धिमत्ता होती है, जो विजडम होती है, उसको इंक्रीज करता है। चौथा चक्र आता है द हार्ट चक्र, जिसको हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं। यह मेनली लव, कंपैशन, इमोशन जैसी फीलिंग को कंट्रोल करता है। पांचवा चक्र आता है द थ्रॉट चक्र, जिसको हम विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। यह मेनली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी होंगी वह डिपेंड करता है कि आपके ये चक्र में जो एनर्जी है वो कितनी है, वो एनर्जी कितनी अच्छे से एमिट हो रही है, आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप दूसरों से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को कैसे दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं, यह चक्र हमको देता है। छठवां चक्र आता है थर्ड आई चक्र, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। यह मेनली अवेयरनेस को दर्शाता है, कहने का मतलब हम अपने बारे में कितना जानते हैं, हम अपनी खूबियों के बारे में कितना जानते हैं, हम अपनी कमियों के बारे में कितना जानते हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं, इस चक्र की एनर्जी हमें देती हैं। और सातवां और लास्ट चक्र आता है द क्राउन चक्र, जिसको हम सहस्त्र बोलते हैं। यह मेनली हमारे हेड में प्रेजेंट होता है, यह रिप्रेजेंट करता है कि हम भगवान से कितने जुड़े हुए हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन बताई हमारे बॉडी में जो ये सात चक्र प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। और यहां पर एक और खास चीज जो इन सातों चक्र के बारे में है कि इन हर चक्र के जो एक रंग होता है, जो इनका कलर होता है, वह अलग अलग होता है। और इनका जो कलर होता है वह हमारा जो रेनबो होता है, जिस तरह से विब ग्योर कलर में जिस ऑर्डर में होता है ना, उसी तरह का हमारे इन चक्रों का ऑर्डर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह के रेनबो के कलर होते हैं, तो सेम उसी तरह के हमारे ये एनर्जी चक्र होते हैं। जैसे कि आप नज़र डालिए, जो पहला चक्र है वह रेड कलर का है, दूसरा है वह ऑरेंज कलर का है, तीसरा है येलो कलर का, चौथा है ग्रीन कलर का, पांचवा है ब्लू कलर का, छठवा है इंडिको कलर का, और जो सातवा है वह है वायलेट कलर का। तो यह जो एक ऑर्डर हुआ यह वह विबग्योर, ठीक है, विबग्योर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे रेनबोज के कलर के ऑर्डर को। तो सेम इसी तरह के ऑर्डर के कलर्स होते हैं। सो यह तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमारे बॉडी में जो सातों चक्र प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में।